ये बाइबल ये क्या चीज है जिसमें से एक आयत पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। ये यीशु कौन है? मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया एक बार अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि यीशु ही खुदा है। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार ज़िंदगी थी। एक बदकार ज़िंदगी मैं गुजार रहा था और लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब हर एक बुरी चीज़ की लत में मैं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास एक गिटार था और मैंने सोचा कि मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और उसके बाद जो भी पैसा आएगा अपने गिटार को बेचने के बाद अपनी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा करूंगा। तो अपना गिटार को बेचने के लिए मैं जगह जगह भटका, किसी ने मेरा गिटार लिया नहीं। फाइनली मुझे एक भाई मिला, इस भाई के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक भाई मिला, इसने कहा वहाँ पे चर्च है, वहाँ चले जाओ, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब चर्च में पहुंचा तो वहाँ पे एक पास्टर से मैंने मुलाकात करी और मैंने पास्टर से कहा कि मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप मेरा गिटार खरीदेंगे? तो पास्टर ने कहा ठीक है राहुल, हम आपका गिटार खरीद लेंगे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। एक काम करो, अपना गिटार यहाँ छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने पैसे भी ले जाना। तो मैं संडे को चर्च के गया अपने गिटार के पैसे लेने के लिए। तो वहां पे चर्च सर्विस लगी हुई थी और उस चर्च सर्विस के दौरान एक लड़का वहां पर आया अपने परिवार के साथ और उस लड़के की मम्मी ने बोला, हम जगह जगह गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ हुआ नहीं। क्योंकि उस लड़के के अंदर एक दुष्टात्मा थी, एक बदरू थी, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया। तो जो पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहना पड़ेगा आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद। मैं वहीं पीछे खड़ा हुआ था और मैं कहता सब बकवास की बात है, कुछ नहीं होता, सब ड्रामेबाजी है, अभी थोड़ी देर में बोल देंगे, जादू टोना चला नहीं, आप बाद में आ जाना। तो पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल में से एक आयत निकाली और उसमें से निकाल के पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का पाकरू तुम में बसता है, और जो कोई खुदा के मकदस को तबाह करेगा खुदा का पाकरू उसे तबाह करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वह तुम हो। जैसे ये बात बोली वो लड़का जिसके अंदर दुष्टात्मा थी वो कांपने लग गया। उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना करी, वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में तीन सवाल आए। पहला सवाल कि ये किताब, ये बाइबल, ये क्या चीज है जिसमें से एक आयत पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। दूसरा मेरे जहन में सवाल आया कि ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया, ये यीशु कौन है। तीसरा सवाल मेरे जहन में आया, वो जो लड़का जब अंदर आया था उसकी टी शर्ट पर यहां पे एक हिंदू देव बना हुआ था, कोई हिंदू परमेश्वर बना हुआ था। तो मेरे जहन में सवाल आया, अगर ये परमेश्वर है जिसकी टी शर्ट के ऊपर बना हुआ है तो इसके अंदर दुष्टात्मा क्या कर रही है। इस तीन सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। इस तीन सवाल को लेकर के मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैं बाइबल को पढ़ता चला गया। तो मैंने जाना कि बाइबल सच्चे परमेश्वर का वचन और यीशु सच्चा खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। थोड़े टाइम के बाद मैंने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई। जैसे कि मैंने बताया मैं सिगरेट और शराब की लत में था। जिस दिन मैंने अपने
दिल में यीशु मसीह को बुलाया, जिस दिन मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई, उस रात मैंने दोबारा से शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, लेकिन मैं शराब पी नहीं पाया, मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। उसी रात से मेरी सिगरेट और शराब दोनों छूट गई। आज इस बात को 10 साल से ऊपर हो गया है, मैंने सिगरेट और शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा था कि मैं उस लड़के के बारे में बाद में बताऊंगा, जिस लड़के ने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे कहा कि वहां चले जाओ आपका गिटार बिक जाएगा। वो लड़का एक मुसलमान था। जिस लड़के ने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया वो लड़का एक मुसलमान था, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी सपने के जरिए और बहुत से अलग अलग चिन्हों के जरिए कि मैंने तुझे कौम के लिए चुना है कि तू जा करके उनको सुसमाचार सुनाए, उनको बशारत इंजील करे।